Well, आज का ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें पहले ये पता लगाना है कि हमें क्या लगता है कि हमें वजन घटाने की जरूरत है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब हाँ है और आपको वजन घटाने की जरूरत है, तो आप देखिए ये क्यों जरूरी है। आज मैं उसके कुछ रीजंस आपको बताने वाली हूँ, क्या क्या ऐसे रिस्क जुड़े हुए हैं जो हमारे ओवरवेट होने की वजह से हमारे साथ लग जाते हैं। वेल, अगर आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई डायरेक्ट कंसल्टेंसी या कोई गाइडेंस आप मुझसे चाहते हैं या मुझसे आप बात करना चाहते हैं अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यूट्यूबर प्रज्ञा पे मैसेज कर सकते हैं। वेल, आज हम जानेंगे कि क्या क्या हमारी हेल्थ से रिलेटेड रिस्क हमारे साथ एसोशिएट हो जाते हैं हमारे मोटापे की वजह से, या हमारे लिए मोटापा इतना हानिकारक क्यों है। वेल, हमें हाई बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी होने लग जाती है मोटापे की वजह से। हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि डायबिटीज और हार्ट डिजीज को इनवाइट करता है, एंड उससे स्ट्रोक्स भी आ जाते हैं। वेल, आपने देखा होगा मोस्टली हार्ट अटैक आ ही जाता है अगर हम हमारी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं और हमारा मोटापा जरूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो फिर उसके साथ, क्योंकि हम मोटापा हमारा होता है और शरीर का वजन ज़्यादा होता है, तो उससे हमारे जो जॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा भार पड़ता है, एंड जो जॉइंट की कार्टिलेज होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। ये हमारे लिए एक नई हड्डियों की बीमारी ले आती है। हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, हम कहीं भी चलते हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम हाँफने लग जाते हैं, हम में वो एंथुजियाज़म, वो हमारा स्टैमिना नहीं रहता है। मोटापे की वजह से काफ़ी सारे कैंसर्स भी हो सकते हैं, जो कि ब्रेस्ट का कैंसर है, कलन कैंसर है, किडनी कैंसर है, गैल ब्लैडर है, लिवर कैंसर है, इन सबसे भी बचाव काफ़ी ज़रूरी है। देन जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी डिप्रेस रहने लग जाते हैं, एंड हम थके थके से रहते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मोटापे की वजह से, जो कि हमारी मेंटल इलनेस को भी जन्म दे देता है। वेल, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, ये काफ़ी लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम खुद को जब आईने में देखते हैं तो भी हमें इतना अच्छा महसूस नहीं होता है और हम अंदर से अच्छा फील नहीं करते। वेल, इसकी वजह से हमारे बॉडी में पेन भी बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी वजन कैरी कर रही है, एंड अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा कैरी करोगे तो आपको डेफिनेटली उसकी वजह से पेन रहेगा, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ। वेल, इन सबकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी डेथ समय से पहले आने की बहुत ज़्यादा आशंकाएं रहती है। वेल, आप इसके बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ। आप पैसा फिर भी कमा लेंगे, लेकिन अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो कमाया हुआ पैसा भी आप सब डॉक्टर में बर्बाद कर देंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस मोटो को ध्यान में रखना, और आज से ही आपको अपने मोटापे की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ शुरुआत कर देनी चाहिए। आपको चेंजेस ले आने चाहिए। चेंज योर लाइफस्टाइल, जो आपका खाने पीने का तरीका है उसमें आपको थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, ताकि आप एक बेटर लिविंग की तरफ जा सके। ईट गुड फूड, आपको अपना जंक फूड छोड़ के अच्छा खाना, घर का खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाना पड़ेगा। बी एक्टिव, पूरे दिन आप सोते हुए या लेटे हुए नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा, चाहे ज़रूरत हो या नहीं हो, फिर भी आपको अपनी लाइफ को एक्टिव बनाना पड़ेगा। चाहो तो आप वॉक पर चले जाओ, चाहो तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर लो, या घर का कोई काम कर लो। मान लो किसी दिन आपके घर मेड नहीं आई है तो उसका काम आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक्टिवली आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। मेडिटेट डेली। वेल, इससे क्या होता है, इससे हमारी जो इनर बॉडी होती है उसको एक रिलैक्सेशन फील होता है, एंड हमें पॉजिटिविटी आती है, एंड स्प्रेड लाफ्टर। वेल, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप खुश रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे और आजू बाजू पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी, एंड आपको मोटापे में भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे और कहीं ना कहीं आपका वजन और आपकी लाइफस्टाइल बदलती हुई दिखेगी। सो थैंक यू सो मच यही आज के लिए।